और अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? ये एक हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि वो एग्जिबिट करता है, शो करता है। ये होती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो एक सर्किट उस इलेक्ट्रिक करंट को रुकावट पैदा करता है फ्लो करने में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है। अब डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उसकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टर से उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर से उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर से उनकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अब जब करंट को अपोजिशन फ्लो होगी, मुखालफत होगी फ्लो करने में, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं और उसका जो यूनिट है, जो उसका पैमाना है, उसको हम ओम से शो करते हैं। मतलब ओम उसका यूनिट है और ओम को इस सिंबल के साथ शो करते हैं। और जो मैथमेटिकल फार्मूला है रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट के अंदर फाइंड करने का, वो इक्वल है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब वोल्टेज मतलब कि सोर्स सर्किट के अंदर है और उस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो वोल्टेज को डिवाइड करेंगे करंट के साथ, तो वो हमें उस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। और उसके बाद एक और पॉइंट भी है पावर, जो कि अगेन बेसिक पैरामीटर है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। अब पावर क्या चीज है? पावर होता है, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, जो काम करने की सलाहियत होती है सिस्टम की, उसको हम कहते हैं ये उसका पावर है, ताकत है। या दूसरी डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिकल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, वो है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। किसी भी सर्किट के अंदर उसका वोल्टेज दिया हुआ हो और उसी वोल्टेज की वजह से उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, तो वो हमें पावर मिलेगा। अब उसकी जो सिंबल है जिससे हम पावर को शो करते हैं वो पी है, और उसका जो यूनिट है वो वाट है। वाट एक ऐसा सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके बड़े यूनिट्स होते हैं, जो बिगर यूनिट्स होते हैं, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, गीगावाट होता है। और एक और यूनिट भी है इस पावर का, इसको हम हार्स पावर कहते हैं। वन हार्स पावर के अंदर 746 वाट आते हैं, 746 वाट आते हैं। मैथमेटिकली हम पावर को किसे शो करेंगे? P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। जितना वर्क सिस्टम का हो उसको हम टाइम से, कितने टाइम के अंदर वो वर्क हुआ उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पावर मिलेगा। या मैथमेटिकली एक और फार्मूला भी है, P इज इक्वल टू V वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय I करंट। जब हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें पावर मिलेगा।